टाटा नेक्सन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो गलती कर दोगे बड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें आपको चेंज मिलने वाला है इंजन में। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बात करने वाले हैं टाटा नेक्सन की, भाई लेने में फ़ायदे का सौदा है या नहीं है, अभी इस टाइम पे टाटा नेक्सन लेनी चाहिए या क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि भाई एक बाहर सी चली हुई है सभी कार कंपनीज़ में कि हर गाड़ी को कुछ ना कुछ चेंजेस करके वो लेके आते हैं हर साल कुछ ना कुछ, लेकिन टाटा नेक्सन पिछले अभी 3-4 साल से ऑलमोस्ट सेम ही चल रही थी। मतलब बहुत पहले फेसलिफ्ट आया था उसका और तब से वो सेम उसी डिजाइन में आपको मिल रही थी। बहुत सारी चीज़ें आपको फील होती थी उसमें, बहुत सारी लुक वगैरह को देखते थे तो सेम फील होता था एक तरह से। मतलब वो माइंड में सेट हो गया था कि भाई टाटा नेक्सन अब ऐसी ही है। तो इससे पहले भी मैंने कई बार जैसा वीडियो में बोला है कि भाई फेसलिफ्ट आते हैं तो उससे क्या है, थोड़ा एक तो उसमें एडवांस फीचर्स हो जाते हैं जिससे क्या और हमें अच्छी लगती है गाड़ी, और बहुत सारे नए लेटेस्ट फीचर्स उसमें ना ऐड हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें भाई किया सेल्टोस, किया सेल्टोस एक अपने सामने एग्जांपल है। अभी इससे पहले उसकी सेल बहुत हल्की चल रही थी जब तक उसका फेसलिफ्ट नहीं आया था। फेसलिफ्ट आने के बाद उसकी सेल भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और जो फेसलिफ्ट आया बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं। तो ये चीज़ें जैसे जैसे कंपनीज करती रहती हैं गाड़ी के साथ तो उसमें एक नयापन आता है, प्लस कस्टमर के अंदर ना क्रेज़ रहता है उस गाड़ी के बारे में। अब बहुत टाइम से जैसे नेक्सन पुरानी चल रही तो एक वो क्रेज़ था ना ख़त्म हो जाता है, बस एक क्रेज़ रह जाता है बिल्ड क्वालिटी को लेके, बाकी उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म सी हो जाती है, थोड़ी सी हमें ना ओल्ड फैशन लगने लगती है वो गाड़ी। तो जैसे कि सबको पता है भाई टाटा नेक्सन का जो है फेसलिफ्ट आने वाला है, तो अभी टाटा नेक्सन लेने में कोई भी फायदे का सौदा नहीं है इस टाइम पे। अगर आप टाटा नेक्सन लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी मत खरीदना। तो फेसलिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंज होकर आने वाली है, आज उनके बारे में हम बात करेंगे और कैसा डिजाइन रहेगा। अभी कुछ पिक्स उसके रिवील हुए हैं और ये गाड़ी सेप्टेम्बर में ऑलमोस्ट जो है लॉन्च हो जाएगी, तो पूरी गाड़ी हमें देखने को मिल जाएगी। बहुत लंबा वेट भी नहीं करना, मतलब हार्डली आपको 1 मंथ का वेट करना है बस। तो अगर हम बात करें फेसलिफ्ट नेक्सन की तो भाई इसमें आपको जो है एक तो रियर बम्पर और फ्रंट बम्पर दोनों आपको जो है डिफरेंट मिलने वाले हैं, और जो हेडलाइट्स है वो कनेक्टेड हेडलाइट्स आपको मिलने वाली है, प्लस टेल लैंप जो है वो भी LED कनेक्टेड टेल लैंप इसमें आपको मिलने वाले हैं। कुछ आगे और पीछे मॉडिफिकेशन किया है जिससे क्या लुक और बेहतर हो गया है, ग्रिल भी थोड़ा आपको चेंज मिलेगी इस गाड़ी में। तो ये जो नई फेसलिफ्ट है ये थोड़ी सी इन्फ्लुएंस लगेगी आपको जो है टाटा की कर्व भी उससे। तो ये तो हो गए कुछ एक्सटीरियर के चेंजेस जो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, और इसके अलग कुछ इंटीरियर के चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे इसमें 10.25 इंच का जो है टच स्क्रीन मिलने वाला है जो अभी आपको टाटा हैरियर में देखने को मिलता है वो वाला। और दूसरी चीज़ जो है जो आपको इसका स्टेयरिंग व्हील है वो आपको जो है डिफरेंट मिलने वाला है जो नई फेसलिफ्ट आ रही है उसमें। और 6 एयरबैग इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑलरेडी इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी पर कोई शक नहीं है, फिर भी अगर 6 एयरबैग होंगे तो और बेहतर हो जाएगी सेफ्टी इसमें। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इसके इंजन में। जो इसका पेट्रोल इंजन आता था पहले 1.2 लीटर तो उसमें जो पहले पावर मिलती थी वो मिलती थी 120 PS की और 170 Nm के टॉर्क मिलते थे, जो अब आपको मिलेंगे 125 PS की पावर मिलेगी और 220 Nm के टॉर्क मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें आपको चेंज मिलने वाला है इंजन में। और दूसरी चीज़ अभी ये जो आएगी ये आएगी डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ DCT, और पहले जो आती थी वो आती थी AMT के साथ में। तो एक ये भी काफ़ी अच्छा चेंजेस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो अभी जो है टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट जो है उसको चलाने में आपको एक अलग मज़ा आने वाला है, क्योंकि DCT में आपको पता है कि बहुत स्मूथ रहता है और जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ होती है उसमें, और 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में ये DCT आपको मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये शिकायत रहती थी नेक्सन में जो AMT आता था उसमें, तो उसमें ना आपको हल्का सा जर्क लगता था जब गियर शिफ्ट होता था, हल्का सा आपको फील होती थी वो चीज़, जो इसमें आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। दूसरा जो इसका डीजल इंजन आता है 1.5 लीटर वो सेम रहेगा, जो पहले से चल रहा है वही सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलना।
बाकी हाँ, आपको एक्सटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम लगेगा और ज्यादा स्टाइलिश लगेगी गाड़ी, मॉडर्न लुक इसको एक दिया गया है पहले से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी अगर आप टाटा नेक्सन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो गलती कर दोगे बड़ी, क्योंकि एक महीना अगर आप रुक जाओगे तो आपको फेसलिफ्ट मिलने वाली है और बेटर रहेगा कि आप फेसलिफ्ट पे जाओ, ना कि अभी जो ओल्ड मॉडल चल रहा है टाटा नेक्सन का उस पे। सो गाइज, होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं आगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।